Boris Kopp. Hare Krishna, Hare ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्वदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुमेव च गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभाय नष्टदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दावे तुलसीदत्तये श्रीहरि केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य श्रियाद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलिगा प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलिगा प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाजी प्रणाम करता हूँ। आज एक विशेष तिथि है, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का आज आविर्भाव तिथि है, इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इसी जगत में जो आए हैं चार कारण को लेकर के आए, उसमें दो गौण कारण और दो उसमें मुख्य कारण है। जो उसमें दो मुख्य कारण है उसमें एक कारण है श्री अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु का आह्वान किया है। जब श्री अद्वैत आचार्य इसी जगत में आए इन्होंने ये पृथ्वी का दुर्दशा को उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा, कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, दुनिया भगवान ने बनाया, दुनिया उसका हम सबके सब उनका ऋणी है, हैं उनकी दुनिया में रहते हैं, उनकी खाते हैं, उनकी पहनते हैं, सब कुछ उन्हीं का ही है, लेकिन हम उन्हीं के लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहे। इसलिए जिसको सूरदास जी कहते हैं जिनी तनु देही ताही विसराई कैसे नमक हरामी मौसम कोन पुटला खलकामी, सुरदास जी कह रहे कहते मेरे जैसे पुटिल खाल कामी कौन हम सो सकता है, जिसने हमें सब कुछ दिया हम उसको ही भूल करके बैठ गए। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य की दुनिया की दुर्दशा को उन्होंने देखा है, क्या कर रहे हैं पैसा को, अगर पैसा है इसको पास में एक कुत्ता एक कुत्ती दो बना देते हैं और एक तरफ कुछ कुत्ते के तरफ में कुछ कुत्तियों को तरफ तरफ में कुछ बिल्ला और बिल्ली कुछ बिल्ली तरफ में कुछ बिल्ला तरफ में और इनकी बड़े धूमधाम से शादी कराते और करोड़ों रुपया उसमें खर्चा कराते और मैया देवी की पूजा होती है सामने है बकरी बलि देते हैं और मदिरा खा रहे मांस खा रहे। अगर कोई गीता भागवत पढ़ते भी है लेकिन शास्त्र का जो असली तात्पर्य भगवान की भक्ति करना
कोई भक्ति का नाम कर नहीं, केवल पढ़ करके आपस आपस में तर्क वितर्क बात वितंडा झगड़ा सब यही कर रहे थे। इसलिए ये दुर्दशा को देख करके श्री अद्वैत आचार्य प्रभु बड़ी चिंता में पड़े, बोले क्यों इनको कोई चिंता पड़ी और क्या कोई चिंता करने वाले नहीं था, इनको कोई चिंता पड़ी। बोले इनका नाम अद्वैत आचार्य। बोले अद्वैत आचार्य मतलब क्या है, बोले अद्वैत मतलब भगवान से, अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, भगवान से जो अलग नहीं भगवान से एक है, क्योंकि ये महाविष्णु इस दास है महाविष्णु। कहते महाविष्णु मतलब है, कहते ये श्री कारण व्यवसाय विष्णु है, यही विष्णु जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं माया दक्षिण प्रकृति सुरते सचराचर। जब यही अद्वैत आचार्य जब माया को प्रति दृष्टि करते हैं और माया खुबित तो होकर के एक ब्रह्मांड नहीं वो अनंत करोड़ ब्रह्मांड को माया सृष्टि करती, अनंत करोड़ ब्रह्मांड को माया सृष्टि करती, इसलिए ये महाविष्णु और उसके सदाशिव है। कहते इनका नाम अद्वैत मतलब ये अभिन्न भगवान से ये अभिन्न है, क्योंकि ये श्री महाविष्णु ये कारण व्यवसायी की अवतार श्री अद्वैत आचार्य। इनका नाम आचार्य, बोले आचार्य नाम क्यों पड़ा, बोले कारण है कि आचार्य किसको कहते हैं, इसलिए कृष्ण गीता में डेफिनेशन देते हैं स्वयं आचार्य जस्मात आचार्य तेन कृतित। आचार्य उसको कहते हैं जो स्वयं अपना जीवन में आचरण करे और दूसरों को शिक्षा प्रदान करे, ऐसे नहीं केवल शिक्षा ही दे और जीवन में कोई आचरण नहीं करे। इसलिए कभी ये सदाशिव होने का नाम है, इसलिए हर समय क्या करते हैं शंकर जी, हर समय क्या करते हैं पंचमुख राम नाम दान त्रिपुरा। शंकर जी पंचमुख में हर समय प्रभु का नाम को ये जप करते रहे, हर समय ये बोले महामंत्र जयी जपत महेशा काशी मुखति हेतु उपदेश, हर समय भगवान की नाम को जप करते हैं। और शंकर जी क्या करते हैं हर समय भगवान की गुण कीर्तन करते हैं। इसलिए जितने पुराण देखो ना, जितने पुराण को देखोगे शंकर जी बोलते हैं और माता पार्वती सुनती है, जितने सारे पुराण हैं सब मूल कर्ता कौन श्री शंकर जी। इसलिए भगवान की भक्ति को कृष्ण भक्ति को जहन शंकर, जैसे शंकर जी हर समय भगवत कथा में ही डूबे रहते हैं, ये अद्वैत आचार्य भी हर समय भगवान की कथा कीर्तन में हर समय उसमें डूबे रहते हैं अद्वैत आचार्य। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य ये कौन है, महाविष्णु जिन्होंने ये दुनिया को सृष्टि किया। जैसे जैसे पिता माता बच्चों को जन्म दिए, जब बच्चों को पिता माता जन्म देते हैं पिता का माता का क्या कर्तव्य है, उनको पालन भी करें, उनको लिखाए पढ़ाए बड़ा करे, उनको पालन करनी चाहिए, पिता का कर्तव्य है ना। उसी तरह जो महाविष्णु जगत को सृष्टि करने वाले वही, इसलिए अगर पिता माता देखे भैया खा रहे हैं मेरा पी रहे हैं मेरा लेकिन मेरे पर ही अनादर कर रहे हैं और मैं जो चीज पढ़ाता हूँ उसको सिर्फ पढ़ते नहीं अपना मस्ती रहते हैं और पिता माता को अनादर करते हैं, पिता माता नाराज होगा कि नहीं, पिताजी नाराज होंगे बिल्कुल। इसलिए श्री महाविष्णु ने देखा अद्वैत आचार्य ने क्यों इतना चिंता किया, बोले कारण ही जगत को सृष्टि करने वाले श्री अद्वैत आचार्य, उन्होंने देखा भैया ये जीवन क्यों दिया भगवान ने, बोले उनको भक्ति करने के लिए आए थे, हरि भजन को वर्तन लगे कपास, आए थे भजन के लिए अभी हम दूसरे काम में लग पड़े। इस चीज को देख करके अद्वैत आचार्य को बड़ा चिंता हुई, इनकी बड़ी चिंता हुई, क्यों चिंता हुई, भगवान की भजन कोई नहीं कर रहे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, कोई खा रहे पी रहे उनकी लेकिन सेवा करते हैं अपना दुनिया की सेवा अपना दुनिया की कर रहे, इसलिए उनको बड़ा दुख मिला। इसलिए कभी कभी इनके अंदर में बड़ा क्रोध आता था, क्यों अगर पिता माता देखे बच्चे गलत रास्ता पर जा रहे, पिता माता का क्रोध आता है कि नहीं, पिता माता का क्रोध आता है,
कभी कभी इनको इतने क्रोध आता था, वो कहते थे मैं स्वयं सुदर्शन चक्र को बुलाऊंगा, बुला करके ये सबको गला काट कर खत्म कर दूंगा, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। अगर ब्रह्म की भक्ति नहीं करते हैं बोले जीना मरना बराबर है, जीना मरना वो जीवित अवस्था में भी मृत है। इसलिए भागवत कहता है जीवन सबो, मतलब वो जीवित अवस्था में भी वो मृत है। बोले कौन है? बोले भगवान की जो भजन नहीं करते हैं। जिंदा रहना और मरना बराबर। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गोरा भू ना भजिया मैनो प्रेम रतन धन हिलाए हरे है, किससे वह अच्छा प्राण की सुख ला दिया नरोत्तम दास के नागल भजिया। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अगर भगवान की भजन नहीं करोगे तो वो कह रहे हैं भैया क्या कौन सा सुख पाने की तुम जिंदा हो, ये बीवी बच्चे दुनियादारी बेटा बेटी नाती पोती हैं। इसलिए कहना वह अच्छा है प्राण की सुख ला गया, कौन सा सुख पाने के लिए प्राण जिंदा। इसलिए नरोत्तम दास कहना नागल मरिया, वो कहते अगर प्रभु की भक्ति नहीं किया मर जाओ, क्या जिंदा क्या कुत्ते सुअर गधे क्या जिंदा नहीं रहे, वो भी तो खा रहे पी रहे वो भी तो दुनियादारी कर रहे, वो भी तो दुनियादारी कर रहे। अगर भक्ति नहीं करोगे तो कहते मर जाओ। जीवन सबो बोले जीवित अवस्था में भी वो मृत है जो ये जीवन पा करके भगवान के भजन जो नहीं करते हैं। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य ने देखा भैया दुनिया को मैंने सृष्टि की, दुनिया मेरा खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ मैं, लेकिन ये देखो दुनिया लोग क्या कर रहे हैं, ये विषय भोग में मस्त है। इसलिए बड़ा क्रोध आता था, मैं सुदर्शन चक्र को बुला कर सबके सब खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। इसलिए अभी श्री अद्वैत आचार्य जो सोच रहे हैं बोले कलियुग का युग धर्म क्या है बताओ, कलियुग का युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन, ये कलियुग का यही युग धर्म है। इसलिए अद्वैत आचार्य महाविष्णु कभी युग धर्म को ये पालन कर सकते थे, इनके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं। हरिनाम जगत में कीर्तन करना, जगत में हरि कीर्तन प्रचार करना, सब को ही काम को कर सकते थे। लेकिन इसलिए अद्वैत आचार्य जो सोच रहे हैं कभी जो कलियुग है ना, ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं, इसको बताया धन्य कलियुग। क्या बताया? धन्य कलियुग, जिसके लिए श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं के जा भी के जा भी रे भाई भाव सिंधु पार धन्य कलियुग रचे तन्न आपतार जागे कलयुग को धन्य कलयुग बताया। बोले क्यों धन्य कलयुग बताया?
कहते ब्रह्मा का एक दिन के बाद में एक बार ये कलयुग आता है, 1000 जब कलयुग बीत जाए, 1000 जब सत्य युग तृतीय युग बीत जाती हैं, एक बार ये कलयुग आते हैं। क्योंकि हर कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, हर तृतीय में प्रभु राम नहीं आते, हर कलि में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। ये कलयुग की इतने महिमा, इतने महिमा सत्य जिसको कृत युग कहते हैं, सबके सब धर्मचारी चरण में रहता था, तृतीया युग जिसको राम राज्य कहते हैं, द्वापर युग जिसमें कृष्ण स्वयं धर्मचारी चरण में रहता था, बड़े सौभाग्यवान जन्म लेते हैं उसी अवतार में, लेकिन वे लोग भी ये कलयुग में जन्म लेना चाहते, कलयुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते, क्यों? झगड़ा युग है ना, ना घर घर में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, बहू बहू में झगड़ा, पड़ोस में झगड़ा, धर्म में झगड़ा, देश देश में झगड़ा, पार्टी पार्टी में झगड़ा, मन मन में झगड़ा, झगड़ा झगड़ा ही झगड़ा, कोई जन्म लेना नहीं चाहते। लेकिन ये जो कलयुग है, कभी ये कलयुग में देवता लोग तक भी जन्म लेना चाहते हैं, दूसरे दूसरे जो का लोग भी जन्म लेना चाहते, बोले क्यों? ये कलयुग में महाप्रभु आकर के बड़े आसानी से ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव जो प्रेम के लिए वे भी तरसते हैं, महाप्रभु आकर के आसानी से वो प्रेम को सबको प्रदान करेंगे, वो ब्रज प्रेम को देंगे, राधा रानी की निकुंज की सेवा प्रदान करेंगे, हैं? इसलिए ये कलयुग में बड़े बड़े देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं। इसलिए आप लोग जो कंठी माला तिलक पहने ना, जानते हो सब तुम लोग देवता थे, देवता नहीं देवता से बड़े थे, सत्य तृतीया युग में सबके सब आए हुए होंगे। हाँ, ये भागवत कहता है, ये भागवत कहता है, महाप्रभु लाइन में सब नहीं आ सकते हैं। ये जो भक्ति उन्मुखी जो सुकृति है ना, जो गौड़ीय वैष्णव में आए, इनकी भक्ति उन्मुख सुकृति कोई अलग है, नहीं तो ये महाप्रभु धारा में नहीं आते, और किसी संप्रदाय में चले जाते, लेकिन महाप्रभु की धारा में जो आए वो लोग बड़े भाग्यवान हैं, बड़े भाग्यवान। और महाप्रभु दुर्लभ प्रेम को राधा रानी की चरण की सेवा, निकुंज सेवा प्रदान करेंगे, हैं? इसलिए अद्वैत आचार्य भी सोच रहे हैं, ये कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन में दे सकता हूँ, मेरे लिए असंभव नहीं, लेकिन वो जो ब्रज प्रेम है मैं नहीं दे सकता, ये तो मेरे प्रभु ही दे सकते हैं, मेरे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद श्री गौर हरि ले सकते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कहते ये प्रेम तो बोले वही दे सकते, मैं नहीं दे सकता, हैं? अभी वो सोच रहे हैं, भैया इनको बुलाना तो कैसे, ठाकुर जी जल्दी जल्दी कैसे आ सकते हैं, कोई उपाय है जो भगवान को यहाँ उतारने का सबसे सरल उपाय कोई हो? उन्हें सारे शास्त्र ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया। कौन सा शास्त्र में क्या बताया ठाकुर जी को पधारने के लिए सबसे सरल उपाय किया, पढ़ते पढ़ते उनको एक श्लोक मिल गया, बोले तुलसी दल मात्रेण, हैं? उसके बाद में तुलसी चुलोक नवा विक्रिनी तस आत्मन भक्तवम भक्तवत्सल। कैसे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, कैसे? अगर एक कंडूस आप गंगा पानी लो, गंगा पानी, और उसमें एक तुलसी दल रख लो, अगर इसको लेकर के आंखों से आंसुओं को बहाते हुए अगर ठाकुर जी का अर्पण कर दो ना, भगवान इतने वशीभूत, भगवान इतने उससे वशीभूत हो जाते हैं, इतने उसकी ऋणी मान जाते हैं, कहते भगवान उसको ऋणी को चुकाने के लिए सर खुजलाने लग जाते हैं। हम सर कब खुजलाते हैं? जब बहुत ज्यादा ऋणी हो जाओ ना, बहुत ज्यादा पैसा ऋणी हो गया, फिर दिन भर का सर खुजलाने, भैया उसका ऋणी कैसे चुकाएं, उसका ऋणी कैसे चुकाएं। इसलिए ठाकुर जी हैं, कभी ये चीज को तरह ठाकुर जी इतने वशीभूत हो जाते हैं, बोले भैया उसका ऋणी हम कैसे चुकाएं, हमें उसने गंगा पानी और तुलसी दल दिया। बोले गंगा पानी कौन है? ठाकुर जी की चरणामृत है, ठाकुर जी की चरणामृत गंगा पानी, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये गंगा जल है, अत्यंत शंकर भी जिसको अपना जटा में धारण करते हैं शंकर जी, हाँ। इसलिए गंगा जब महाप्रभु जा रहे थे जगन्नाथपुरी,
कहीं भी ठाकुर का नाम कहीं सुनने को नहीं मिला। हठात एक व्यक्ति बोल रहा है बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हठात महाप्रभु ने सुना कोई हरिबोल 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 कर रहे। महाप्रभु सोचे अभी तक तो कोई हरिबोल का नाम तो भी कोई नहीं सुना, लेकिन यहाँ पर हरिबोल हरिबोल कैसे आवाज आ गई। फिर देखा वो पास में कहीं गंगा बह रही, पास में कहीं गंगा बह रही। गंगा की हवा अगर लग जाए शरीर में ना, केवल गंगा की हवा अगर लग गई अब भी बस कल्याण उधार हो जाता है। इसलिए गुरु जी कहते ना कोई व्यक्ति भूत प्रेत बनने वाला था तो साठ में लड़ाई होगा मारेगा तो प्रेत बनेगा, लेकिन देखना जब साठ की सींग में खुजली मचती है ना वो मिट्टी को कुतरती है। और उसने जब मारा उसको सींग में लगा हुआ था गंगा की थोड़ा धूल, मारते समय मारा तो लेकिन मृत्यु समय उसका सींग में जो मिट्टी था लग गया ना सीधा सीधा उधार हो गया, सीधा बेकुंठ चला गया। इतने ये गंगा की इतने महत्व है, बड़ी महत्व गंगा की। और तुलसी तुलसी तो भगवत अभिन्न स्वरूप है, वृंदावन तुलसी देव वही प्रियाई कृष्ण भक्ति भगवान की भक्ति प्रेम को देने वाले श्री तुलसी तुलसी भगवत अभिन्न स्वरूप है। इसलिए यही तुलसी ही राधा कृष्ण को जोर मिलाना करती है, जितने उनको निकुंज सेवा में यही है। इसकी बगैर राधा रानी की निकुंज सेवा असंभव है। राधा कृष्ण दोनों को ला कर यही निकुंज में मिलन कराती है कृष्ण की प्रेयस में, इसलिए भगवान इसमें इतने वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं उसकी ऋणी चुकाने के लिए स्वयं शरीर को खुजलाता हूँ, कैसे इनके ऋणी चुकाऊंगा। इसलिए उन्होंने ये श्लोक को देख करके है तो उन्होंने भगवान को पुकारा है गंगा पानी तुलसी देख करके, हे ठाकुर जी जब तक आप अवतीर्ण नहीं होंगे ये दुनिया की कल्याण नहीं होगा, जीव को ये ब्रज प्रेम नहीं मिलेगा, जीव उधार नहीं होंगे है। इसलिए उन्होंने उनको बुलाया बुलाया तो इसलिए महाप्रभु कभी कभी कहते हैं सुतिया अच्छिन्न खीर समुद्र सागर निद्रा भंग है लम्बोर नाड़ा रंगा है। मतलब क्या है कहते मैं खीर समुद्र में सो रहा था लेकिन ये अद्वैत आचार्य मेरे को ऐसे पुकारा, उसने ऐसे पुकारा इनकी आह्वान से मेरा जो आसन है इसने हिला दिया, जो बंगला भाषा में नाड़ा नाड़ा मतलब होता है हिलाना। बोले इनकी हुंकार से मेरी जो आसन थी ना वो आसन मेरी हिल गई, मेरी आसन है मेरी आसन को उसने हिला दिया, इसलिए महाप्रभु कहते थे नाड़ा। इसलिए हम रोज रोज एक भजन गाते है ना दया कर दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। ये भजन हम रोज गाते हैं बोले दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, इनकी पत्नी का नाम भी सीता देवी है, पत्नी का सीता देवी दया करो सीतापति, सीता के पति कौन अद्वैत आचार्य। इसलिए आप हम सबको परमे कृपा करें बोले क्यों बोले तब कृपा बल्ले पाई चैतन्य निताई, आपकी कृपा से ही ये महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आपकी कृपा से ही हमें मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनको नहीं बुलाते वो आते नहीं जगत में, अगर वो जगत में नहीं आते तो भक्ति प्रचार करते नहीं, अगर वो भक्ति प्रचार नहीं करते तो हम कहाँ भगवान मिलते हैं, कहाँ भगवान मिलते। इसलिए हम जो बड़ोदे के भक्त वृंद है अगर महाप्रभु आए तभी तो उन्होंने किसी भक्त को भेजा है। इसलिए कहते हैं वो जो मूल शाखा कौन है बोले श्री महाप्रभु, मूल शाखा नवद्वीप में जैसे कि वृक्षा है जैसे मूल जो तना है महाप्रभु उसमें दो शाखा निकली, दो शाखा कौन निकले एक अद्वैत आचार्य और एक नित्यानंद, उसमें दो टहनियां निकली। कहते वो टहनिया से और भी कुछ टहनियां निकली बोले कौन कौन बोले श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी, फिर उससे टहनियां निकली बोले कौन बोले नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, फिर उससे भी टहनियां निकली बोले कौन बलदेव प्रभु विश्वनाथ ठाकुर, बोले उससे भी टहनियां निकली बोले कौन बोले भक्ति विनोद ठाकुर, बोले उससे भी टहनियां निकली बोले प्रभुपाद, उससे भी टहनियां निकली हमारे गुरुदेव, बोले उससे भी एक टहनियां निकली भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज, और उससे भी टहनियां निकली
और उससे भी हमारे श्री यहाँ पर नवीन प्रभु आए, वहां से आए और आए तो पहले यहाँ पर बड़ोदरा में प्रचार किया, तो फिर आप लोगों को भी उसमें आपको भी भक्ति रस में डुबो दिया है, आपको भी लोग भक्ति रस में डुबो दिया। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य जो कहते हैं कि मूल जो तना से जो दो टहनियां निकली है, कौन कौन है, एक अद्वैत आचार्य और एक उसमें श्री नित्यानंद प्रभु, दो टहनियां निकली। और दो टहनियां से जैसे वृक्ष होता है ना, शाखा के बाद में शाखा प्रसगा करते 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 उसने चारों तरफ में छा जाती है, चारों तरफ में ये छा जाती है। उसी तरह यहाँ पर भी भक्ति की धारा आ गई और यहाँ पर भी आप लोगों को उसी रस में आपको भी डुबो दिया। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य, इसलिए इनका नाम श्री अद्वैत आचार्य नाम पड़ा। भगवान सविन आचार्य मतलब स्वयं अपना जीवन में जो आचरण करते थे और जीवन में जो जिन्होंने जगत में भगवत भक्ति को जिन्होंने प्रचार भी किया, ठीक है ना। इसलिए इनकी बहुत अच्छी अच्छी कथा है, बहुत अच्छे अच्छे अपने जीवन में शिक्षा प्रदान किया, अच्छी अच्छी इनकी कथाएं आज। इसलिए आज कोशिश करेंगे केवल इन्हीं के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, नहीं किया, क्या शिक्षा दिया। हाँ, तुम दोनों ने कोई दूसरा बोलो, बोलो बोलो, तुम भी 10 मिनट बोलना, तुम भी 10 मिनट, दोनों तुम 10 मिनट। आपको कुछ अपनी कथा याद है? हाँ, नहीं गुरुदेव का आदेश हुआ है कि अद्वैत आचार्य के ऊपर कुछ बोलने के लिए। जो अद्वैत आचार्य हैं, अद्वैत आचार्य ने अपने जीवन के माध्यम से अनेक अनगिनत शिक्षा भी प्रदान करी है हमारे, उसमें से हम कुछ जो प्रधान हैं उनका मैं आज वर्णन करने की कोशिश करूंगा। हमारे वैष्णव समाज में तीन चीजों पर सबसे ज्यादा क्या बोलते उसको महत्व दिया जाता है। पहला वैष्णवता और नाम, दूसरा वैष्णवों का शासन और तीसरा वैष्णव अपराध। यदि बाकी कुछ चीज हो या ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम ये तीन चीजों से दो चीज कर रहे हैं और एक चीज से बचे हुए हैं तो हम भक्ति मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। पहला नाम तथा वैष्णवता। बोले जब अद्वैत आचार्य अपने पिताजी का जब श्राद्ध कर रहे थे तो श्राद्ध में ऐसा होता है कि सबसे पहले जो जो बड़ा होता है, जो श्रेष्ठ होता है, उसे सबसे पहली थाली ऑफर की जाती है। तो जब उन्होंने श्राद्ध किया और वहां पे सारे बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, जब शांतिपुर में जो उन्होंने श्राद्ध किया तो सारे बड़े बड़े ब्राह्मण को बुलाया, अब वहां पे ये चर्चा होने लगी जो अद्वैत आचार्य हैं उनका नाम क्या है। जैसे गुरुदेव ने भी बताया अद्वैत आचार्य मतलब उस समय में वो सबसे बड़े माने जाते थे, सबसे मानी हस्ती जो थी वो अद्वैत आचार्य थे। बोले जिन्होंने इनको अगर पूजा में दे दिया वो क्या होगा, ब्राह्मणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। और वहां पे प्रश्न उठने लगा कि सबसे ज्यादा अगर पूजा देंगे किसको, तो वहां पे सभी ब्राह्मण लोग भी आए थे और श्री हरिदास ठाकुर भी उन दिनों उन्हीं के पास भागवत का श्रवण करने के लिए आया करते थे। पर जब सारे ब्राह्मण लोग बैठ गए, लेकिन श्रेष्ठ जो आसन था वो भी खाली था, जो हरिदास ठाकुर थे वो सबसे पीछे बैठे थे, लेकिन जब अद्वैत आचार्य देखा कि हरिदास ठाकुर सबसे पीछे बैठे, वो हाथ पकड़ के उनका लेके आए और उन्हें सबसे आगे बिठाया। पर जब ये देखा तो जितने भी ब्राह्मण लोग थे उनके अंदर खलबली मच गई। बोले क्यों? बोले हरिदास ठाकुर यमन कुल से थे, बोले मुसलमान जाति के थे। इस बात को देख करके हरिदास ठाकुर खुद सोच रहे थे कि बोले मेरी अभी योग्यता नहीं है, बोले क्यों, मैं खुद मुसलमान कुल का हूँ और ये लोग ब्राह्मण कुल के हैं, इनके आगे बैठना यानी कि अगर मैं अग्र पूजा लूंगा तो ये लोग सब क्या पाएंगे, मेरा
एक तरीके से उच्चिष्ट पाएंगे। तो एक मुसलमान का उच्चिष्ट पाना कैसा होगा, इन लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। तो खुद हरिदास ठाकुर खुद सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ। अद्वैत आचार्य आप सोच समझ के कीजिए जो आप कर रहे हो, इसका समाज में बहुत गहरा असर होगा, शायद हो सकता है कि समाज में आपका सम्मान ना किया जाए। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि मुझे समाज की परवाह नहीं है। बोले मुझे परवाह किस चीज़ की, बोले शास्त्रों की। बोले शास्त्रों में जो लिखा है मैं उसी का पालन करूंगा, इसके पालन करते हुए यदि सारा समाज मुझसे मेरी निंदा करे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उनको बिठाया तो जब ब्राह्मण लोग थे वो सवाल करने लगे, बोले तुम कैसे आचार्य हो, बोले तुम एक मुसलमान को अगर पूजा पे बिठा रहे हो। तो फिर अद्वैत आचार्य ने कहा कि तुम किस प्रकार के ब्राह्मण हो, बोले तुम अपने आप को अगर ब्राह्मण बोलते हो तो बोले जो यज्ञ में जो अग्नि है इसको प्रज्वलित करके दिखाओ। अगर तुम वाकई में ब्राह्मण हो तो अपने चित्त बल से, अपने बल से जो यज्ञ की जो अग्नि है उसको प्रबल करके दिखाओ। तो किसी कोई ब्राह्मण कर नहीं पाया, पर लेकिन हरिदास ठाकुर ने वो करके दिखाया। बोले क्यों, बोले सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वो क्या है, नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ। बोले जो उसमें जो उत्तीर्ण है उसके लिए साधारण यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करना क्या बड़ी बात होगी, बोले बहुत छोटी बात है। तो जब सभी ब्राह्मणों ने देखा कि भाई ये तो अग्नि को मुसलमान होते हुए भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते, इसका मतलब क्या है, बोले हम सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर उन्होंने उनका सम्मान करते हुए उनका उच्चिष्ट ग्रहण किया। यहाँ पे अद्वैत आचार्य ने एक सिद्धांत स्थापित किया कि भक्ति जगत में जाति कुल विचार नहीं होता। बोले कैसे, इसके लिए एक श्लोक भी आया है भागवतम में, विपरात विषय गुण युता पाद अरविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मने तदर्पित मनोवचने हिता प्राणम कुलति ना तो भूरी माना। बोले विपरा दूषित गुण युताधर विंदना, बोले ब्राह्मणों में 12 गुण पाए जाते हैं, उनके 12 लक्षण होते हैं। बोले उन 12 लक्षणों में जो परिपूर्ण है लेकिन बोले भगवान के चरण कमलों से विमुख है, भगवान बोलते हैं वो ब्राह्मण कैसा है, बोले चांडाल के समान है। बोले लेकिन वो चांडाल, वो ब्राह्मण चांडाल के समान है, लेकिन एक चांडाल व्यक्ति जिसने अपने मन क्रम वचन प्राण अर्थ सब कुछ ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है, वो जो चांडाल है वो अपना तो उद्धार करता ही करता है, अपने समेत पूरे कुल का उद्धार करता है। फिर हरिभक्ति विलास में बताया, नाम है भक्ता चतुर्वेदी मत भक्ता स्वचम प्रियम तस्मे देहम ततो ग्राहम सच पूजो यथा भगवान। बोले नाम है भक्ता चतुर्वेदी, बोले किसी ने अगर चार वेदों का भी पाठ कर लिया है और पर नाम है भक्ता चतुर्वेदी, बोले लेकिन वो मेरा भक्त नहीं है तो मुझे वो प्रिय नहीं है। मत भक्ता स्वचम प्रियम, पर यदि कोई मेरा भक्त चांडाल कुल में भी है वो मुझे कैसा प्रिय है। तस्मे देहम ततो ग्राहम सच पूजो यथा भगवान, बोले वो ब्रह्मा के स्थापित, यानी जैसे ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए वैसे ही उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर हरि भक्ति सुदोदय में बोला हरि भक्ति, हाँ हरि भक्ति भी भगवत भक्ति इनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपा अप्राणस्य देहस्य मंडलम लोक रंजनम। बोला कैसे, बोला एक सुंदर जो एक युवती हो उसका 16 श्रृंगार किया हो पूरा का पूरा, लेकिन कैसी मरी हुई, अगर एक मरी हुई व्यक्ति एक युवती का 16 श्रृंगार किया जाए तो ये बात कैसी है, बोले हास्य का वो है। वैसे ही भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपा, यदि हमारे पास धन है दौलत है जाति है शिक्षा है पर लेकिन भगवत भक्ति विहीन है तो वो सब कैसा है, सब एक मृत कन्या के समान है जिसका वो लोग श्रृंगार कर रहे हैं। फिर दूसरा उन्होंने सिद्धांत स्थापन किया, बोले शासन का, भक्ति जगत में सबसे मेन है वैष्णवों का शासन। यदि वैष्णवों ने, श्रेष्ठ वैष्णवों ने हमारा शासन छोड़ करके सम्मान करना शुरू कर दिया तो परमेश्वर बोलते हैं कि हमारी समझ लेना चाहिए कि भक्ति राज्य में हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। बोले कैसे, बोले जहां अब वो शासन करे, शासन करने से क्या होगा, शासन किस पे किया जाता है, चलिए भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज बोला करते थे, बोले शासन किस पे किया जाता है, जो अपना हो। एक माता अपने बच्चे पे तो शासन करेगी, पड़ोस के बच्चे पे थोड़ी ना शासन करेगी। जब गुरुवर्ग सीनियर वैष्णव शासन करते हैं तो क्या समझते हैं वो, हमें ये हमारा ये मेरा बच्चा है, अगर मैं नहीं सिखाऊंगा इसे तो कौन सिखाएगा, ऐसा हमारे गुरुवर्ग सोचते हैं। पर यदि हम सोच लें कि यार चौड़े में इन्होंने हमें डांट दिया, इन्हें कांडिकार नहीं है, ये बात अकेले में भी तो बोल सकते थे, सबके सामने बोल दी मेरी बेइज्जती कर दी, बोले हम लोग ऐसा सोचते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ, किसी और का तो मुझे नहीं पता, पर मैं ऐसा ही सोचता हूँ। ऐसे मेरे साथ ही ग्रुप चलाते में एक बार घटना हो गई थी, उसका आगे वर्णन करेंगे। बोले अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के चाचा गुरु हैं। बोले कैसे, मैं इसे जो अद्वैत आचार्य हैं इन्होंने नियम है
उसमें श्राद्ध हो रही थी, नियम है जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनको सबसे पहले पूजा होनी चाहिए। अभी अद्वैताचार्य सोचने लग गए भैया को पूजा कर दो, इसकी पूजा करें, वहाँ पर बड़े बड़े ब्राह्मण लोग बैठे हुए, वहाँ पर से ही हरिदास ठाकुर जी वहाँ बैठे हुए, लेकिन अद्वैताचार्य कौन है, कहिए सदा से जो महाविष्णु, वो कोई साधारण जीव नहीं है, वो महाविष्णु है जिनसे दुनिया का सृष्टि प्रलय होता है, वो स्वयं शंकर भी है, हैं? अभी वो तो साधारण व्यक्ति नहीं, वो जो करेगी दुनिया के लिए कोई सिक्ख्या है। तो उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर को सबसे श्रेष्ठ जो आदर प्लेट, सबसे पहला प्लेट उनको दी जाती, उनको दिया। जब उनको दिया, हरिदास ठाकुर बोले प्रभु मेरे को क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने बोले वैष्णव को अगर खाना खिलाओ तो उसमें करोड़ों वैष्णव का ब्राह्मण का सेवा हो जाता है, तुम्हारे खावाइले भाई कोटि ब्राह्मण हो जाए, मतलब एक साधु को सेवा, शुद्ध वैष्णव का सेवा, करोड़ ब्राह्मण को खिलाओ जो पुण्य मिलेगा, एक साधु को खिलाने पर वही पुण्य मिलेगा। इसलिए बोले सत्र जाति सहस्र एकांतिक विशेषज्ञ, जितने बड़े बड़े यज्ञ में सत्र जाति यज्ञों को सर्वश्रेष्ठ बताया, लेकिन ऐसे हजार सत्र जाति ब्राह्मण में एक वैष्णव श्रेष्ठ है, जैसे हनुमान जी है, श्री हनुमत लाल जी, हनुमान जी बताओ कौन सा कुल में जन्म हुए, बांदर। अगर बंदर भी घर में घुस जाए ना फिर भी अपवित्र है, घर का दौड़ा है। सबरी कौन सा जाति में जन्म हुए, जिसकी भगवान झूठा बहन का है, बहुत चंडाल कौन सा जाति में हुए, चंडाल है। सुग्रीव कौन सा जाति में हुए, बंदर। विभीषण राक्षस, भगवान इनको साथ में मित्र करता है। इनको कौआ सबसे चंडाल चिड़िया कौआ है, लेकिन कहा भूषण जब कथा करते है ना, शंकर ब्रह्मा की कथा सुनते, ग्रीन सबसे हीन जाति होता है, लेकिन ये भगवान की बाहर है, ठाकुर जी की करोड़ इनके बाहर है, बाहर है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा दिया, अगर भगवत भक्ति आप कर रहे हैं ना ये सर्वश्रेष्ठ है, अगर भगवत भक्ति नहीं करते हो तो आप सबसे निकृष्ट हो, भले ही आप जितने बड़े क्यों नहीं हो आप सबसे निकृष्ट, अगर भक्ति करते हो हाँ महान है। इसलिए उन्होंने जब अद्वैत आचार्य को सम्मान किया, ये हरिदास ठाकुर को श्राद्ध पात्र पहला दिया, जितने ब्राह्मण बिगड़ गए छोड़ चले गए सबसे, बोले हम ब्राह्मण को अपमान कराने के लिए बुलाए गए, और उस समय ब्राह्मण का बड़ी सचमुच से ब्राह्मण होते थे, बड़े उनको घमंड, बड़े उनको अपना वर्णत आश्रम को पालन करते जब चले गए, लेकिन अनादर किसको हुआ, अद्वैताचार्य महाविष्णु, फिर हरिदास ठाकुर को हुआ, ये जबन कुल में है, लेकिन पहले ये कौन थे, ये हरिदास ठाकुर पहले कौन थे, ब्रह्मा पितामह ब्रह्मा, और कौन थे बोला, कौन बोले, बोले एक तो ब्रह्मा थे और कौन थे, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज ब्रह्मा, ये दोनों एक होकर हरिदास ठाकुर रूप में आए, ब्रह्मा जगत का सृष्टि करता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा, इनसे ही सृष्टि हुआ जगत में, सृष्टि इनसे ही जगत में सृष्टि हुआ। जब लेकिन उन लोगों ने जब उनको छोड़कर चले गए ना, सबके सब कलरा हो गया, सबको कलरा हो गया, क्योंकि एक तो भगवान और एक भक्त, ये दोनों का अनादर, सबको कलरा हो गया, सबके सब डायरिया हो गया, सबको हठात किया हुआ। श्री अद्वैत आचार्य हैं वो कुछ परिवेषण कर रहे थे, उन्होंने भोजन खिला रहे थे, जो भोजन दोनों हाथ से भोजन खिला रहे थे, इतने में पीछे से उनकी पत्नी सीता देवी आ गई। जब सीता देवी आ गई, हठात किया हुआ, सामने तो दो हाथ से खिला रहे थे, इतने में पीछे से सबके सब देखा पीछे से, और दो हाथ निकल गया, और दो हाथ निकले गया, चार हाथ, चाहे आप किसके होते हैं, भगवान विष्णु के। सब लोग वहां पर देखा, अद्वैत आचार्य चार याद हो गया, बोले भैया ये तो भगवान, चार याद तो विष्णु को होता है, क्योंकि महाविष्णु ना होता है सदा श्री महाविष्णु। अरे भैया समझ गए हमारी गलती हो गई, इनके चरण में गलती हो गई, अरे उन लोगों ने क्या किया, उनके चरण में उन्होंने माफी मांग लिया। इसलिए यहाँ पर अद्वैत आचार्य वो आचार्य है ना, दुनिया को शिक्षा देते हैं। इसलिए श्री हमारे भक्त विनोद ठाकुर एक सुंदर भजन लिखते हैं, बोले हे मन की करे वरण कोल, जय को लेके नाम जनम नहाय, केवल भगति मोह।
हे मान की करे वरना कूल। बोला समझते हो, इसमें कह रहे हैं बोले मन तुमने ये कूल को इतना बड़ा कैसे मान लिया। वो कह रहे हैं अपना कूल को कैसे मान इतना बड़ा मान लिया। बोले जय कुले के न जन्म ना है, भले ही जिस कुल में जन्म क्यों नहीं हो केवल भगत मूल जय भगवान की भक्ति भगवान की प्रेम ये मैन है ना, ये प्रेम। इसलिए ये चीज को जो अद्वैत आचार्य आचार्य रूप में जगत गुरु ने ये सिखा दिया मैन है भगवान की भक्ति करने चाहिए। ठीक है ना, एक बार हाथ उठा कर बोलो बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर कर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 देखो। इसलिए नियम है जब जब कोई साधुओं का हाँ भक्तों का जन्म तिथि आए तिरुभाव तिथि आए नियम है उनकी कथा हमें सुननी चाहिए। सुनने से हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा हमें मिलती है, हमें अच्छी अच्छी शिक्षा मिलती है। दूसरा उन्होंने अपनी जीवन चरित्र से जो शिक्षा स्थापित करी वो थी वैष्णवों का शासन स्वीकार करना। बोले जो अद्वैत आचार्य हैं वो चैतन्य महाप्रभु के एक तरीके से चाचा गुरु हैं। बोले चाचा गुरु कैसे? बोले माधव ईश्वरपुरी पाद और अद्वैत आचार्य ये दोनों माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद के शिष्य हैं। तो उस हिसाब से जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो उनके जो अद्वैत आचार्य महाप्रभु के चाचा गुरु हुए। तो वो हमेशा जब भी उन्हें देखते थे उनका सम्मान करते थे इस दृष्टिकोण से क्योंकि ये मेरे चाचा गुरु हैं। पर लेकिन अद्वैत आचार्य को ये अच्छा नहीं लगता था। बोले क्यों? बोले अद्वैत आचार्य कौन है? बोले महाविष्णु। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु वो कौन है? वो साक्षात कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। बोले जो अद्वैत आचार्य हैं वो कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश हैं। उनके अंदर क्या भाव है? बोले कृष्ण मेरे सेव्य है, उनका दास हूं। समझो ये अद्वैत आचार्य कौन और महाप्रभु कौन, ये चीज को अच्छे तरह से दिमाग में बैठा। नहीं तो हम सब ना खिचड़ी बना देते हैं, सबके सब खिचड़ी अच्छे तरह से समझो। कृष्ण जब अकेले थे, अभी अकेले में तो लीला कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा लीला करेंगे। इतने में एक से उन्होंने दो हुए, कौन हुए? श्री राधा और कृष्ण। फिर उनको डांड अंग से कृष्ण की बाम अंग से राधा रानी प्रकट हुई और कृष्ण की डान अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए। जो दाऊ भैया, दाऊ भैया देखने में कृष्ण केवल काले और दाऊ भैया गोरे, लेकिन वो अभिन्न है। कृष्ण की बाम अंग से राधा रानी और डान अंग से श्री बलदेव प्रकट हुए। जो बलदेव प्रकट हुए और उन्होंने फिर दूसरे रूप में श्री शंकर सन रूप में प्रकट हुए। बोले इनसे चतुर्थी हो प्रकट हुए, चार विस्तार हुए। बोले वासुदेव शंकर सन प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, कृष्ण का जो संतान है ना वासुदेव शंकर सन प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चतुर्व्यूह। लेकिन चतुर्व्यूह में जो वासुदेव हुए हैं है? कभी जब शंकर सन हुए शंकर सन से फिर ये कारण दशाई सृष्टि हुई, फिर उनके गर्भ दशाई सृष्टि हुई, फिर ये खिराब दशाई सृष्टि और शेष हुए है। कभी उसमें जो कारण दशाई सृष्टि हुए कभी जो कारण दशाई है ना यही अद्वैत आचार्य। फिर अद्वैत आचार्य कौन हुए? देखो कृष्ण, कृष्ण से अभिन्न बलदेव, बलदेव से शंकर सन, फिर शंकर सन से चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से जो शंकर सन वहां से श्री कार्णदेवसाई जो विष्णु, तीन विष्णु प्रकट हुए। फिर कृष्ण के अंश के अंश के ही अंश हो गए हैं। इसलिए इसी दृष्टिकोण से अद्वैत आचार्य जानते हैं यद्यपि महाप्रभु मेरे को सम्मान करते हैं क्यों मैं चाचा गुरु हूँ उनके गुरु जी की गुरु के शिष्य मैं हूँ, लेकिन तत्वतः असली क्या है? असली मैं कौन है? महाप्रभु कौन है? ये स्वयं कृष्ण है, ये स्वयं कृष्ण है।
लेकिन हुए तो मेरे चरणा पकड़ते हैं, मेरे को सम्मान करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ना ये कौन, ये मेरे प्रभु है, ये मेरे प्रभु स्वयं है। इसलिए हृदय से दुखी रहते थे, हृदय से वो दुखी रहते थे। बोले दुखी क्यों रहते थे, बोले जो दास्य भाव है ना, जो दास भाव बहुत श्रेष्ठ भाव है। दास्य भाव देखो, ये दास्य भाव सब चीज में, राधा रानी जिनका नाम राधा क्यों, कृष्ण सभी में राधा नाम क्यों है, बोले कृष्ण को विशेष पूर्वक आराधना करते, सेवा करते। राधा मतलब जो आराधना जो सेवक का मूर्तिमान स्वरूप है राधा है। कभी श्री नंद बाबा देखो इन्हीं के अंदर में दास्य भाव है, सखा को अंदर में दास्य भाव, दास्य को अंदर में दास्य भाव, बलदेव प्रभु अभिन्न नहीं लेकिन इनकी दस शरीर पंच रस से स्वयं बलदेव प्रभु सेवा करते हैं। जो कुछ देखते हो आसन सिंहासन पादुका बलदेव प्रभु, ये सब कृष्ण, ये मृदंग, ये सब कुछ किसका प्रकाश, बलदेव प्रभु का। मतलब भगवान की जो सेवा में प्राण प्रभु सेवा में बड़ा आनंद है, लेकिन वो उनकी चरण छूते हैं, सम्मान देते हैं, इसलिए वो हृदय से वो थोड़े दुखी है कि हमारी इतनी इज्जत सम्मान करते हैं, कहाँ मैं प्रभु का सेवक हूँ और मेरे को हर समय चरण छुएंगे, प्रणाम करेंगे, हमारे आशीर्वाद लेंगे, ये हृदय से ना थोड़ी सी ये दुखी होते थे। बोलो वो बड़े दुखी होने लगे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कई बार महाप्रभु से बोला भी, बोले कि आप मेरा ऐसे सम्मान ना किया करें, बोले आप प्रभु हैं, मैं आपका दास हूँ, लेकिन महाप्रभु बोलते थे कि आप मेरे चाचा गुरु हैं, मैं कैसे आपका सम्मान ना करूं। तो एक दिन उन्होंने क्या कहा, क्या किया, महाप्रभु का शासन प्राप्त करने के लिए उन्होंने मायावाद का जाके प्रचार करना शुरू कर दिया। एक बुक थी, बुक का मुझे नाम याद नहीं, योग वशिष्ठ, इस बुक में प्रॉपर मायावाद के बारे में बताया गया है। बोले जीव क्या है, ब्रह्म, जीव ब्रह्म क्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म एव ना परा, इस विषय में पूरी बुक इसी विषय में है। जब महाप्रभु को पता चला कि अद्वैत आचार्य ने ब्रह्म मायावादियों के जाके प्रचार करना शुरू कर दिया है, महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया, वो गए। आप लोग समझ गए, देखो ये जो मायावादी फिलोसफी है ये भक्ति के सबसे बड़ा विरोध है, भक्ति के सबसे। इसलिए अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं मैं ऐसे कौन सा काम करूं जो कि महाप्रभु सबसे ज्यादा मेरे ऊपर नाराज हो जाए, सबसे ज्यादा मेरे ऊपर असंतुष्ट हो जाए, ऐसे कौन सा काम करूं, असंतुष्ट हो जाए मेरे पिटाई करेंगे, फिर मैं खुश हो जाऊंगा, भगवान मेरे को शासन करेंगे, खुश हो जाए। उन्होंने सोचा भक्ति में सबसे बड़ा जो बाधक ये ब्रह्मवाद, ब्रह्मवाद का मतलब है जो जीव अपने आप को जो मानता है हम ही तो भगवान ही है। ये जो मायावादी जो पीले से अच्छा तरह समझो, ये शंकराचार्य ने जिसको प्रचार किया, इसको उनका जो फिलोसफी है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तत्त्वमसि तुम वही हो, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ देखते हो ना सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, जो कुछ देखते हो सब ब्रह्म ही है, है? इसलिए ये जो हम थोड़ी भगवान है, हम तो भगवान के दास है ना, भगवान के सेवक है ना। अगर जी बोलेगा हम ही भगवान है, आप भगवान हो ना, भगवान का दास हो, इसलिए ये इनका जो फिलोसफी है वो कहते वही जीव जो ब्रह्म था, लेकिन जब उसको माया पकड़ लिया वही ब्रह्म ही अब ये जीव रूप में आ गया, लेकिन भजन करते भक्ति करिए ज्ञान को मार्गों का अवलंबन करते हुए जो मुक्त हो जाएगा ना, अरे वही जीव जाकर के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगा। इसलिए हम वही हैं, हम वही, हम कौन है, हम भगवान है, अब भगवान है, हम भगवान है नहीं, इसलिए हम भगवान के सेवक है, भगवान के दास हम है। इसलिए ये फिलोसफी जो वशिष्ठ में सिर्फ भगवान राम थे वशिष्ठ, तुम जो मैं भी वही, मैं भी जो तुम भी वही, तुम जो मैं वही, मैं जो तुम वही, उसमें यही फिलोसफी बताया जीव ही ब्रह्म है, ज्ञान अगर सब बेकार है उसमें यही जीव। इसलिए उन्होंने जब वहां पर जाकर के उन्होंने ये जो वशिष्ठ जाकर उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया जीव ही ब्रह्म, फिर तो महाप्रभु बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया, बोले तुमने मेरे को बुलाया, मैं सो रहा था खीर समुद्र में और मेरे को तुलसी बता जल देकर वहां से बुलाया, क्यों जगत में भक्ति प्रचार करने के लिए और तू आ मेरे उल्टा पाठ प्रचार कर रहे हो यहाँ पर, और जीव ही ब्रह्म तो प्रचार कर, फिर क्या बात है। फिर महाप्रभु ने आके अद्वैत आचार्य की पिटाई करनी शुरू कर दी,
इतना पीट रहे कि जो उनकी जो पत्नी है सीता देवी वो रो रही है, बोल रही महाप्रभु क्या कर रहे हैं आप, ऐसे तो बूढ़ा मर जाएगा, बोल रही अभी क्या कर रहे हैं। पर लेकिन अद्वैत आचार्य वास्तव में जब महाप्रभु उनकी पिटाई कर रहे थे तो अद्वैत आचार्य दिल से प्रसन्न हो रहे, बोले क्यों, बोले आज मुझे किसी प्रकार से महाप्रभु का शासन प्राप्त हुआ है, उन्होंने आज मुझ पर अपनी वास्तविक कृपा करी है। तो यहाँ पे उन्होंने शिक्षा दी कि हम लोग बाह्य तौर पर देख, मतलब भाई तौर पर मेनली ऐसे ही होता है कि हम लोग सीनियर वैष्णव से क्या चाहते हैं, जब उनके पास जाएं वो हमारी तारीफ करें, हमें अच्छा अच्छा बोले। जहां उन्होंने थोड़ा सा डांट दिया, वो तो बड़ी खराब है, वो तो बिल्कुल सीधा बोल देते, वो तो ऐसे बोल देते, ठीक है बोलना ठीक है, पर घुमा फिर आगे भी तो बोल सकते हैं, वो तो सीधा ही बोल देते। और क्या अगर किसी ने गुरु जी ने अगर सबके सामने बोल दिया, चार आदमी के सामने कुछ बोल दिया, तब तो समझ लो काम हो गया, मठ में कदम ही नहीं रखना। पर लेकिन अद्वैत आचार्य क्या सिखा रहे हैं, बोले खुद शासन प्राप्त करने के लिए जान पूछ करके उल्टे कार्य कर रहे हैं, क्यों, ताकि महाप्रभु आए और मुझ पर अपना शासन करें, ताकि शासन करने से क्या होगा, ये सिद्ध होगा कि मैं उनका दास हूं, उनका परिकर हूं, वो मुझे अपना समझते हैं। लेकिन यदि हमारे साथ ऐसा होगा हम क्या कहेंगे, खेल खत्म, मठाना बंद, छुट्टी, बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन गोस्वामी का नाम जानते हो, कौन कौन सुने सनातन गोस्वामी का नाम जानते हो, रूप सनातन दो भाई थे, और एक इनके भक्त श्री जगदानंद पंडित, ये कौन बोले सत्यभामा के बता रहे, और श्री सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे एक समय, महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को प्रशंसा किया और श्री जगदानंद पंडित को शासन कर दिया, शासन करते तो उन्होंने कितनी बड़ी शिक्षा दी, एक को शासन कर दिया और एक को खूब बढ़ाई कर दिया, जब बढ़ाई कर दिया जिनको बढ़ाई किया ना सनातन गोस्वामी को, बोले उन्होंने जगदानंद पंडित को बोले बोले तू कल के जगा हो, बोले कल के तू, लेकिन सनातन गोस्वामी कौन थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय में, लबंग मंजरी कृष्ण ब्रजली लख मंजरी मंजरी, इसलिए कहती ये लबंग मंजरी और प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साधारण व्यक्ति, बड़े दक्ष है, बड़ा चालाक चतुर है, बड़े चालाक चतुर, कल को तू जगा और तू आ करके और इनको शासन कर रहे हो, इनको उपदेश दे रहे हो। महाप्रभु जब ये बात बताए, सनातन गोस्वामी बोले प्रभु आप तो मेरे पर नीम रस मिला रहे हो और जगदानंद पंडित को अमृत मिला रहे, देखो उन्होंने शिक्षा दिया, बोले आप प्रशंसा मेरी प्रशंसा की और उनकी अपने शासन किया, बोले भैया शासन किसको कहते हैं, जिसका अपना मन, जैसे आप थोड़ी बाहर किसी बच्चे को थोड़ी शासन करोगे, अपना बच्चे को ही शासन करोगे, जिसको अपना मन, क्यों, अगर शासन नहीं करेंगे तो बच्चा बिगड़ेगा, इसका भविष्य तो अच्छा हो तभी तो बच्चे को आप शासन करोगे ना, तभी तो शासन करोगे, इसलिए जो शासन जो शिक्षा दिए और इनको उन्होंने प्रशंसा की, बोले प्रशंसा नहीं मेरे को आप नीम रस मिलाया और आप उनको अमृत मिला रहे, क्यों शासन कर रहे हो, अपना मान कर प्रभु मेरे को कभी कभी शासन किया, मेरे को कभी कभी, इसलिए यहाँ पर शिक्षा दिया भक्ति जगत में जितने शासन स्वीकार करोगे ना उतना तुम अच्छे बनोगे, उतना अच्छे बनेगा। एक लोहार देखना क्या करता है, लोहे को देखे हो, लोहार क्या करता है, आग में देखा जब लाल हो जाएगा ना हाथ में सिपाएगा और मारते 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 किसी ना खाद निकाल देगा, फिर पानी में देगा, फिर निकालेगा, फिर आग में देगा, फिर जब लाल हो जाएगा फिर पीटेगा, पीट पीट करके फिर पानी में देगा, फिर निकालेगा, फिर आग में देगा, फिर पीटेगा और पीटते 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 क्या करेगा, लोहे को इतने इतने सख्त बना देता है ना, लोहे लोहे को काट देता है, लोहे लोहे को काट देती है। यहाँ पर शिक्षा दिया जो शासन है भक्ति जगत में बहुत अच्छी, इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें गुरु वैष्णव शासन करे, प्रशंसा नहीं, प्रशंसा में इतना कल्याण है हमारे नहीं, इतना हमारे कल्याण नहीं, जितने शासन स्वीकार करोगे, हमारे मंदिर के जो सागर महाराज है ना, हमारे कभी हमारे गुरु जी के मंदिर का आचार्य है, कभी गुरु जी उनको पिटाई भी किया, डंडे से डंडे तोड़ दिए, एक डंडा था उन्होंने कुछ किए होते मार डंडा तोड़ दिए, इसलिए अभी हमारे मठ में जो आचार्य सबसे जो बड़े गुरु जी वो कहते थे देखो तभी मैं ये भक्ति जगत में टिक पाया, गुरु जी ने मेरे शासन करते थे,
मेरे को गुरुदेव शासन करते थे, इसीलिए अभी मैं मंदिर में टिक पाया, अभी मैं मंदिर का आचार्य हूं। इसलिए हम जितने वैष्णव का शासन हमें मिलेगा, जितने वैष्णव हमारी गलती को पकड़ करके हमें सुधारेंगे, उतना ही हमारी कल्याण। फिर तो लोहे लोहे को काट देगा, लोहे फिर लोहे को काट देगा। इसलिए यह शिक्षा देते हैं शासन भक्ति जगत में बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हर समय कोशिश कर हमें गुरु वैष्णव हमें शासन करे, हर समय हमें शिक्षा देते। देखो हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एक बार मेरे को शासन नहीं किया था, उन्होंने एक बार मेरे को शासन नहीं किया था। एक समय बलदेव प्रभु का जीवन चरित्र आया, गुरुदेव उस समय चार चार बार कथा करते थे, सवेरे दोपहर शाम को, फिर संध्या आरती के बाद में फिर बैठते थे। फिर जैसे हम जैसे इनको खड़े किया ना, फिर गुरुदेव सबको खड़े करते, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी क्यों सब नहीं बोले तो सीखेंगे कहाँ से, बोलेंगे तभी तो सीखेंगे ना, नहीं तो बोलेंगे नहीं सीखेंगे कहाँ से। हर गुरु हर पिता क्या चाहता है, अपना जो बिजनेस है मेरे बाद में मेरे जो बच्चे आए मेरे बिजनेस को ठीक ठीक चलाए, तभी तो खुश होते हैं ना। अगर ऐसे बच्चे हुए सारे बिजनेस को ही सत्यानाश कर दिया, पिता ने जो बड़ा किया था हम उल्टा पुलटा काम कर सकते, पिता थोड़ी खुश होंगे। पिता तभी खुश होंगे अगर हमारे बिजनेस को बेटा इतने बढ़िया दी, दो गुना रात चौगुना सुने कर दिया, पिता खुश हो भैया बेटा हमारी अच्छी है। उसी तरह हमारे जो गुरु वर्ग भी यही चाहते हैं हमारी बाद में शिष्य ऐसे बने, पहले नंबर तो भजन करे, ऐसे नहीं कभी दूसरों को उपदेश दे, पहला नंबर है भक्ति करे, ठीक से भगवान की भजन करे, हरिनाम करे, गलत रास्ता पर नहीं जाए, भक्ति का अनुकूल वस्तु का स्वीकार करे, भक्ति के प्रतिकूल वस्तु को त्याग दे, हैं भक्ति कथा अनुकूल संकल्पम प्रतिकूल विवर्जनम। बोले भक्ति की जो अनुकूल जो काम करने से गुरु जी वैष्णव ठाकुर जी संतुष्ट हो, संकल्प संकल्प मतलब क्या, आज से हम ये प्रतिज्ञा करते हैं जो काम से गुरु वैष्णव ठाकुर नाराज हो इनको काम हम नहीं करेंगे, वो काम करेंगे। और प्रतिकूल विवर्जनम भक्ति का जो प्रतिकूल वस्तु है जिससे गुरु वैष्णव भगवान असंतुष्ट हो वो चीज को हम त्याग देंगे, अच्छे चीज को ग्रहण करेंगे और गंदी चीज को हम त्याग देंगे, हैं पहले भजन करें और उसको बाद में भगवान कथा को जगत में प्रचार करें, भगवान तब खुश होते हैं ना। इसलिए एक दिन गुरुदेव मेरे को बोले शाम को, और गुरुदेव बोलते थे जो बात एक बार कोई बोलेगा ना उसको रिपीटेशन नहीं करना, नया बात बोलना, एक ही बात को गुरुदेव तुम बोलो तुम बोलो, लेकिन एक निर्दिष्ट सब्जेक्ट होता है ना, जैसे अद्वैत आचार्य की जीवनी है, अगर जो एक बार बोल दिया फिर दो बार खड़े होकर वही बोले तो फिर थोड़ी मजा आएगी, मजा तभी आएगी उनको कोई नई सीख्या दे। बोलोगे दो तीन व्यक्ति को गुरुदेव खड़े कर दिया, मैं उस समय छोटा था, मेरी उम्र तो 21 साल होगा उस समय में, है इसलिए गुरुदेव बोले तुम बोलो, मैंने कहा गुरुदेव सब तो बोल दिए और तो कुछ है नहीं, और छोटा बच्चा भी था उस समय। हाँ गुरुदेव, फिर गुरुदेव इतने शासन किया, इतने डांट लगाए सबके सामने, गुरुदेव बोले क्या घर में खाना पीना नहीं मिलता था, इसलिए तू घर छोड़कर यहाँ पर आ गया, खाने और सोने के लिए आई यहाँ पर। हाँ गुरुदेव यहाँ खाने और सोने के लिए आया, इसलिए वहां तो पिता माता को धोखे दिया, पिता माता की सेवा नहीं किया, और मंदिर में आकर के भी गुरु वैष्णव को धोखे दे रहे हो, उन्होंने सबको सामने बड़े बुरी तरह से गुरुदेव ने शासन किया, शासन किया ना, उनकी एक शासन से मेरे जीवन परिवर्तन हो गया, मैं इतने डर गया, इतने डर गया गुरुजी सबको सामने इसे शासन किया। फिर मैं देखता था पंचांग में भैया कौन सा गुरुजी की कौन सा महाप्रभु की 15-20 दिन पहले प्रिपरेशन होना शुरू कर देता है, गुरुदेव ऐसे अगर खड़े कर दिया बोल नहीं पाऊंगा तो कर दिया होगा, इसलिए मैंने प्रिपरेशन 10-15 दिन 20 दिन पहले देखने लग जाता था पंचांग, किसका रूप गोस्वामी तिथि ना प्रभु तिथि ना किसका तिथि आ रही है, फिर उसमें प्रिपरेशन करता था, करते 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 ऐसे बना सबसे पहले गुरुदेव हमें खड़े करते, सबसे पहले गुरुदेव हमें खड़े करते। शासन है ना वो हमें एकदम हीरे के टुकड़े बना देते, कोशिश करना गुरु वैष्णव हमें प्यार नहीं दे क्या कर हमें शासन वाणी बोले, इसलिए ये कथा में ये शिक्षा हमने ये कथा में सीखा। ठीक है उनको आप लोग भी सबके सब हरी कथा सीखना, ठीक है ना, आप लोग भी जैसे
आप लोग भाई लोग रहे जैसे माता है, ठीक है ना, कथा भी सुनना, तुम्हारे जो पड़ोसी पड़ोसी है पड़ोसी पड़ोसी लोग है ना, ऐसे नहीं बैठ गए उसकी बहू ऐसे कर रही थी, उसका बेटा ऐसे कर रही थी, उसको छोरी है किसी छोरा के साथ में भाग गई, छोरी को लेकर भाग गई, हाँ ऐसे नहीं बैठ करके सारा दुनिया की, हाँ सारा दुनिया की उल्टा पुल्टा चीज नहीं, ऐसे कोशिश करो जैसे हम कोई अच्छी चीज खाते है ना, वो उदाहरण देते ना चिट्ठी जैसे बोलो, चिट्ठी जैसे बोलो, जैसे उदाहरण देते जैसे गाड़ी में जा रहा था, जैसे गेहूं की बोरी कहीं गिर पड़ा क्या होगा, अगर एक बैल आ जाएगा ना वो खाएगा जितना खाएगा पेट भर जाएगा फिर छोड़ जाएगा, एक बकरी आएगा जितना पेट भर खाएगा खाएगा छोड़ जाएगा, अगर कोई जानवर खाएगा छोड़ जाएगा, लेकिन एक इंसान आगे बोगे वगैरह का फिर दूसरे दिन आएगा भाई और भी तो नहीं मिलेगा और तो कहीं गिरा नहीं, कैसे रखनी चाहिए बोले चिट्ठी, हम चिट्ठी को देखे ना, लेकिन चिट्ठी कोई अगर मीठा चीज पर मिल गया ना खा देख लिया आप पूरा सबको बुला पूरा अड़ोसी पड़ोसी भाई चलो भाई चलो चलो हाँ और मीठा पड़ा हुआ लाइन लगा के हैं, इसलिए कहते कैसे बनाओ चिट्ठी जैसे, कैसे बननी चाहिए चिट्ठी जैसे बनाओ, खुद बढ़िया चीज खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, ठीक है ना, इसलिए ऐसे नहीं जो कथा सुनते हो अच्छे तरह से ध्यान दे करके कोशिश करना, अपना पड़ोसियों को भी समझाओ, मंदिर में चलो भगवान की भक्ति करो, घर में भक्ति करोगे घर में शांति सुख बनी रहेगी, घर में बच्चे अच्छी बनेंगे, पिता माता को आदर देंगे, पिता माता के चरण छुएंगे, आदेश को पालन करेंगे, अगर मठ में जाओगे तो हरि कथा होती है, क्यों इधर उधर अपना समय को उल्टा पुल्टा चीज में क्यों गवा सकते, ठीक है ना, अपना अड़ोसी पड़ोसी को समझाया करो, खुद भी सुना खुद भी खाओ उनको भी खिला उनको भी खिला, ये सबसे महाप्रभु कहते हैं ये सबसे बड़ा धर्म, इससे बड़ा धर्म जगत में कुछ नहीं, देखो लोगों ने प्रचार किया तब तो बड़ो तो कथा है, तब तो आप भजन कर रहे हो ना, अगर कोई प्रचार नहीं करते तो जैसे कि देश पड़े करते हमारे कल्याण होता क्या, होता है नहीं, इसलिए खुद खाओ दूसरों को भी खिला, नहीं वो तो बंद नहीं होता भी कौन 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 अद्वैताचार्य अद्भुत चेष्टित तत्प्रसादाज्ञ तत्स्वरूप निरूपयत जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय जय चंद्र जय गौर भक्तवृंद कृष्ण लीला भगवत कार्य व्यास चैतन्य लीला रव्यास वृंदावन दास वृंदावन दास कर्ण चैतन्य मंगल जय सर्वमंगल सर्व मंगल चैतन्य निताय जात जानिय महिमा जात जानि कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसिमा मनुष्य रचित नारय छ ग्रंथ में वृंदावन दास मुख्यवंता श्री चैतन्य सर्व हमारे समक्ष उपस्थित हमारे गुरु पाद पद्म के चरण कमल वंदन करते हुए प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृष्ण कृपा शक्ति की वाचा करते हुए सभी वैष्णव के चरणों में तथा आप सभी भक्त मात्र वृंद और सभी धर्म के सभी पशु भक्त वृंद सत्य तो गुरु माता सभी के चरणों में वंदन सौभाग्य के दिन है आज, आज अद्वैताचार्य की तिथि है और अद्वैताचार्य जी है याद नहीं आ रहा था हाँ आज पढ़ेंगे याद नहीं आ रहा सौभाग्य है क्योंकि आज एक बार मैं ठाकुर जी की
स्नान कराया, उसके बाद गुरु जी ने आदेश दिया और फिर से गुरुदेव ने फिर से दोबारा अभिषेक कराया। मेरा तो सौभाग्य बहुत है देखो, क्योंकि कहते हैं ना कि कृष्ण स्वधाम भगत धर्म ज्ञान आदि विषय कलम नष्ट दुर्सावय से पुराण को अधिन देता, कि जब कृष्ण चले जाते हैं तो पुराण रूपी सूर्य को छोड़ देते हैं। मान लो एक जगह पर अंधकार है, अगर आलोकित करना है तो एक दिया जला दो। तो ऐसे ही जब कली कृष्ण चले गए, कली आ गया, अब पूरा सारा संसार अंधकार है, तो भगवान ये भागवत पुराण को प्रतिष्ठा किया, तब वो सूर्य के समान सबको ज्ञान प्रदान किया, कृष्ण ना रहते हुए भी कृष्ण की उपलब्धि करा दिए ये पुराण। तो कहते हैं कि बड़ी भाग्य में फिर उसमें बताया गया कि जो कलियुगी जीव है उनको संप्रदाय माना पड़ेगा, और उस संप्रदाय में जो भाग्यवान जीव आएंगे ना, उनके तो भाग्य की कोई सीमा नहीं है। परंतु उसमें भी एक ऐसे संप्रदाय, जिस संप्रदाय में अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं ना, जिस संप्रदाय में राधा कृष्ण साक्षात रूप में आए, कोई और संप्रदाय में राधा कृष्ण आए नहीं, उनसे संप्रदाय आया। परंतु हमारे संप्रदाय में राधा कृष्ण से तो आया, और उसमें राधा कृष्ण महाप्रभु बन करके आए। और तो और छोड़ दो, कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि विष्णु भगवान भी आ जाते हैं, वो विष्णु भगवान आकर के कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं अद्वैताचार्य के पास। और तो और छोड़ दो, बलदेव प्रभु किसी में आए, हमारे संप्रदाय में आए, बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु बन करके आए, नारद जी भक्त श्रेष्ठ आए, सभी आ गए। और बोलू, कहते हैं कि एक एक संप्रदाय के भाष्य होता है, उसमें कोई कोई आचार्य उसके भाष्य लिखते हैं, तभी वो संप्रदाय प्रमाणित माना जाता है ना। एक डॉक्टर के पास, ये बंसल के पास आप चले गए, ट्रीटमेंट तो कर रहा है, सर्टिफिकेट नहीं है कि वो MBBS पास किया हुआ, मानो कि उसको डॉक्टर देखा दे कि मैं भी दवाई दे सकता हूँ। ऐसे ही अगर कोई संप्रदाय प्रमाणिक है, क्या पहचान है कि उसका भाष्य, कोई कोई चार तीन संप्रदाय में भाष्य तो बाकी अन्य अन्य आचार्य वर्ग ने लिखा, परंतु हमारे संप्रदाय के भाष्य गोविंद खुद ने लिखा लिखवाए। तो कहते हैं कि भाग्य से ही हमें इस संप्रदाय में हम आए, और आज उस प्रभु की जन्मतिथि है जो कि भगवान को खुद बुलाए, और भगवान उनके जहार संकल्प कृष्ण ना करे अन्यथा, जिनके संकल्प कृष्ण कभी भी अन्यथा नहीं कर सकते हैं, वो है कौन, अद्वैत आचार्य जी। बहुत तो उनका महिमा है और उनका तत्व भी है, मैं पढ़ रहा था आज, परंतु उनके तत्व में मेरा प्रवेश नहीं हो पाया, और मैं आज से ही कोशिश करूंगा कि उनको तत्व को समझने की। और एक छोटा सा फिर मैंने भागवतम से एक वो स्टोरी मैंने देखा, पढ़ा मैंने उसमें, चैत्र भागवत में वृंदावन दास ठाकुर निरूपण किया है। एक बार महाप्रभु अंतरलीला के नवम अध्याय की बात है कि महाप्रभु को अद्वैत आचार्य ने अपने घर में भिक्षा करने के लिए बुलाया, जैसे हम लोग बुलाते हैं ना, आप लोग बुलाते हैं कि गुरुदेव, और जो वैष्णव लोग आते हैं कि आप हमारे घर पे आइए और हमें कृतार्थ करने के लिए भोजन प्रसाद ग्रहण करना ठाकुर जी के, तो ऐसे ही महाप्रभु को बुलाए। जब महाप्रभु जाते थे, गुरुदेव जाते हैं, सभी जाते हैं उनके साथ, जाते हैं नहीं जाते हैं, तो उस समय होता क्या है कि कुछ, जैसे मान लीजिए कि आपके मन में गुरुदेव को कुछ खिलाने की है, तो आप उस समय क्या प्रतिबंधक नहीं लगा सकते, क्योंकि आसपास में जो होते हैं उनके परामर्श से जाकर के गुरुदेव के पास वो चीज पहुंचता है। तो ऐसे ही अद्वैत आचार्य जी ने देखा कि जब महाप्रभु आते हैं भिक्षा करने के लिए किसी के घर पे, तो बहुत सारे सन्यासियों को लेकर के आते हैं। जब सन्यासी साथ में जाते हैं ना, महाप्रभु संकोच करते हैं, प्रसाद ढंग से नहीं पाते, परंतु वो तो सन्यासी है ही नहीं, कपट सन्यासी है, महाप्रभु कौन है, महाप्रभु को सन्यासी के वेश लेना जरूर थोड़ी था, वो तो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए लिया, तो महाप्रभु तो सन्यासी है ही नहीं, और अद्वैत आचार्य तो कोई आचार्य भी नहीं है, वो तो कौन है, वो तो विष्णु है। आचार्य का काम क्या है, आचार्य का काम तो जोड़ना कृष्ण को, कृष्ण बहिर्मुख जीवों को उद्धार करके कृष्ण से जोड़ना, तो वो तो आचार्य की लीला कर रहे हैं। तो आपस में दोनों अंतरंग लीला में क्या है, एक कृष्ण एक विष्णु, एक उनका अंश और एक अंशी। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि चलो आज ऐसे कुछ करते हैं कि महाप्रभु एकेश्वर, मतलब केवल ईश्वर एक ही आए, एक ईश्वर का मतलब ये हो जाता है, विशेषण इसीलिए लगाते हैं ईश्वर के पीछे। अब देखो कि जैसे महाप्रभु है ना, महाप्रभु पंच तत्व से बने हुए हैं,
तत्व पांच है और उन पांच तत्वों को लेकर के ही महाप्रभु, अगर मैं महाप्रभु को मानता हूं और नित्यानंद प्रभु द्वितीय प्रभु को नहीं मानता तो महाप्रभु को संपूर्ण रूप से मानना नहीं हुआ। इस प्रकार से उन्होंने देखा कि महाप्रभु को मैं कैसे भोजन प्रसाद खिलाऊं, तो उन्होंने क्या किया, महाप्रभु को भंडारे के लिए प्रसाद के लिए बुलाए घर पे, महाप्रभु आने वाले थे। तो अद्वैत आचार्य ने क्या किया कि जिस समय महाप्रभु आएंगे, अब क्या किए उस समय ना इतने घनाघोर बारिश और बादल जो है पूरा इकट्ठे हो रहे और जो घड़घड़ नाद से जो वो क्या है मेघ बरसता है, पानी बिजली मतलब करार चमक रहे हैं। तो इस प्रकार से जो स्थिति आ गया उस समय बहुत भयंकर तूफान चलने लगी। इतने में क्या हुआ कि जितने भी और सारे सन्यासी थे महाप्रभु के पास क्या भंडारा खाने जाएंगे, अब सब घर में छुपे बैठ गए हैं, अब खुद की रक्षा पहले करें। तो इस स्थिति को देख करके महाप्रभु भी समझ गए और तुरंत वहीं अद्वैत आचार्य के आवास में तुरंत उन्होंने आविर्भाव हुआ और अद्वैत आचार्य ने देखा कि अब तो मेरा इच्छा पूर्ण हुआ है, क्योंकि महाप्रभु ने उनको क्या बोला था कि तंडुल प्रसाद अभी राधी हुआ आपने सोहस्ते धन्य करिया प्रभु करीब भोजन। तो इस प्रकार से महाप्रभु उनको कहते कि मैं अपने हाथ से कुछ तंडुल भोजन कुछ थोड़ा सा ही मैं आपके लिए बनाऊंगा, बस उसी को प्रसाद पाकर के आप मुझे कृतार्थ करना। तो जिस समय महाप्रभु आगे प्रकट हो गए अब उनका धैर्य का और उनका जो प्रेम था वो फूट फूट के बाहर आने लगा और वो बड़े खुश हो गए और इंद्र को धन्यवाद देने लगे, बोले कि वाह इंद्र आज जान लो तुम्हें प्रकृत निश्चय वैष्णव, आज मैं तुम्हारे वैष्णवता के ऊपर मुझे आज कोई भी संशय नहीं है कि तुम ही वैष्णव हो, आज एक भक्त और भगवान के मिलन कराने के लिए तुमने ही सही काम किया। तो जिस समय इस प्रकार से बात को सुन रहे थे महाप्रभु बोले कि अरे तुम किसको धन्यवाद दे रहे हो है? जिनके संकल्प कृष्ण को भी अन्यथा नहीं करते हैं और कृष्ण सर्वथा साक्षात सर्वथा जो कृष्ण कोई अद्वैत है कोई अलग नहीं है, रसगत भेद से कृष्ण कृष्ण और विष्णु विष्णु है। तो इस प्रकार से महाप्रभु उनको समझा रहे हैं कि अरे जिनकी पद वांछा जोगेश्वर मुनीश्वर करते हैं आप इंद्र को धन्यवाद दे रहे हो, अरे उसको शक्ति देने वाले तो तुम ही हो उसको शक्ति देने वाले। इसी प्रकार से और अद्वैत आचार्य को उन्होंने आशीर्वाद दिया, महाप्रभु को साग बड़ा पसंद था, इसीलिए आप लोग जानते नहीं हो साग कैसे बनाते हैं, बंगाल में और उड़ीसा में बनाते हैं साग होता है ना अलग अलग तरह के साग, उसमें मूंग दाल डाल के हरी पत्ती जो है पत्ती को भाज मतलब फ्राई करके रखे पीस करके बांट करके नहीं, इधर थोड़ा अलग सा होता है। 10 प्रकार के स्वादिष्ट साग से महाप्रभु को खिलाया हा? गौर प्रिय साग से बने जीवन सार्थक माने, अगर कभी महाप्रभु को कुछ प्रसाद दे करके तृप्त कराना चाहते हो ना तो साग रंधन करके भोग लगाओ, महाप्रभु को बड़ा ही पसंद है ना। अब की बार कल ही परसों ही हमारे मंदिर में महाप्रभु प्रतिष्ठा हुए तो हर समय 10 किलो साग होता था, महाराज जी ने 15 किलो साग बनाए, एक बाल्टी साग बच गया, फिर भी महाराज जी खुश है, क्यों, क्योंकि महाप्रभु की इच्छा से बाद में भी वो चीज वितरण हुआ, क्यों, हर बार तो साग बचता नहीं था, अब की बार बचा तो वो दूसरे लोगों को तक जिन जिनों के तक नहीं जाता था सालों में तो उनके पास गया। तो ये महाप्रभु की इच्छा है, महाप्रभु ने खुद जानबूझ करके ऐसा करा है, बड़े प्रीत होकर अद्वैत आचार्य के घर में और उनकी जो पत्नी थी सीता देवी उनको आशीर्वाद दे करके महाप्रभु उनकी बड़ी स्तुति करके गए। तो आज उनके चरण कमलों में मैं यही वाचा करता हूँ कि जैसे पूरे जीवन में गुरु वैष्णव की सेवा कर पाऊँ, यही मेरा कामना है, वाचा करते जो बचपन का नाम था कमलाक्ष मतलब जिनका आंख कमल जैसे है, जिनका आंख कमल जैसे, इनके जो पिताजी थे उसी समय राजा के कुल पुरोहित थे इनके पिताजी, और राजा के घर में एक देवी मूर्ति थी जिस देवी मूर्ति दर्शन करने के लिए सारा दुनिया आते थे। एक दिन एक लोग छोटे बच्चे थे तो पिताजी जैसे देवी मंदिर में गए ये भी देवी मंदिर में चला गया, लेकिन वहां पर राजा भी रोज आते थे, सबके सब आकर के मैया देवी को प्रणाम करते थे, लेकिन इसे अद्वैत आचार्य छोटा बच्चा लेकिन वहां जाकर ना ढीठ जैसे खड़े होकर रहते थे,
वो मैया देवी को प्रणाम नहीं करते थे। इतने राजा ने इनको पिताजी जो थे हैं, पिताजी को बोले देखो तेरे बच्चा ढीठ कैसे, सारा दुनिया आकर के मैया देवी को प्रणाम करते हैं और तुम्हारे बेटा अगर अखड़े जी से खड़ा रहता है, ये देवी को प्रणाम नहीं करता। इतने में इनके जो पिताजी थे कुबेर बैठे थे, बोले बेटा ठाकुर को प्रणाम कर, मैया देवी को प्रणाम कर, आशीर्वाद लो। ये छोटा बच्चा था, कहते पिताजी ये मैया देवी मेरे प्रणाम को स्वीकार नहीं कर सकती, ग्रहण नहीं कर सकती। अगर ये देवी को मैं प्रणाम कर लू ना, कि टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाएगी, फट जाएगी देवी। राजा सुनकर के बड़ा आश्चर्य हो, सारा दुनिया प्रणाम करते हैं और तुम प्रणाम करते देवी मैया टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। बोले हाँ, बोले प्रणाम करो अभी हम देखता हूँ। सचमुच से जब उन्होंने प्रणाम किया मैया देवी को, देवी के जो पत्थर का जो मूर्ति था ना, वो एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो गया, पूरा उड़ गया कहीं। राजा देख करके समझ गए भैया ये बच्चा कोई साधारण है। बोले ऐसे क्यों हुआ, कारण क्या? बोले कारण है वो देवी कौन है? बोले भगवान की बहिरंगा शक्ति है देवी जो काली है, हैं? बोले अद्वैत आचार्य कौन? बोले सदासी महाविष्णु, ये स्वयं महाविष्णु, ये साधारण नहीं, सख्यात भगवान है। इसलिए क्या नाम अद्वैत, मतलब भगवान से अभिन्न है। अगर पत्नी पति की चरण छूती है, चरण धोती है, पति थोड़ी पत्नी की चरण धोती है, थोड़ी प्रणाम करती है। अरे मूल पति कौन? ठाकुर जी है। और उनकी बहिरंगा शक्ति कौन? बोलिए देवी माता जी है। इसलिए अगर उनको पति, उनके जो प्रभु के जो प्रभु, अगर वो प्रणाम करेगा, फिर वो काली देवी सहन कर सकती है? सहन कर ही नहीं सकती। इसलिए तुम टुकड़े टुकड़े, तुम टुकड़े टुकड़े की कर गई। इसलिए जब ये थे नवद्वीप में, ये थे टीचर, ये टीचर थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे। और महाप्रभु का जो बड़े भाई का नाम था विश्वरूप, क्या नाम था? विश्वरूप बलदेव प्रभु। ये रोज अद्वैत आचार्य जी के टोल में ये पढ़ते थे। पास में जहाँ पर श्री महाप्रभु का घर, उसको पास में ही वो था टोल। अभी जब घर में खाना बन जाती थी, सची माँ निमाई महाप्रभु छोटे बच्चे थे, और पहले देखना बच्चे लोग कपड़ा पूरा नहीं पहनते थे। मैं तो 8-10 साल तक बच्चे ऐसे नंगे घूमते थे, ऐसे नंगे घूमते थे, खेलते थे। आप देखना गांव में इतने कपड़े पहनते थोड़ी पहनते थे। और महाप्रभु छोटे बालक थे, बड़े सुंदर थे महाप्रभु, क्योंकि कृष्ण कितने सुंदर है और उनसे सुंदर राधा रानी है। अगर दोनों मिल जाएंगे तो कितने सुंदर नहीं होंगे, बड़े सुंदर थे, हैं? बड़े सुंदर थे। इतने में महाप्रभु को सच्ची मैया बोलते, बोले बेटा लाला निमाई जा, भैया को बड़े भैया को बुला कर ले आ, घर में खाना बन गया, पास बता टोल पढ़ते थे, बुला कर ले आ, खाना खा करके बेटा चले जाएगा। वहां पर जो स्कूल में जो टोल में कौन पढ़ते थे? साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ते थे, जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे। क्योंकि महाप्रभु जब इस जगत में आए, अकेले नहीं आए, पूरा धाम और अपना परिकर भक्तों को लेकर के आए, उनको साथ में सारे भक्त लोग आए थे जो वहां पढ़ते थे, सबके से महाप्रभु का भक्त। और अद्वैत आचार्य क्या पढ़ाए करते थे? गीता भागवत रामायण वेद, सबके सब भक्ति व्याख्या करते थे। क्यों? सदाशिव है, स्वयं शंकर जी है, सदाशिव रूप में ये भक्ति की व्याख्या करते थे। जब महाप्रभु नंगे धड़ंगे वहां अंदर में प्रवेश कर जाए ना, प्रवेश करते ही अद्वैत आचार्य तो देख करके उनको पढ़ाई बंद हो जाती, और जितने बच्चे वहां पर होते थे और इनको देखते ही सारे पढ़ाई बंद, सबके सब एक नजर से उनको देखने लग जाते, एक नजर से, हैं? और अद्वैत आचार्य सोचते थे, बोले भैया जब ये बच्चा अंदर में प्रवेश करता है, मेरी पढ़ाई पढ़ाई बंद हो जाती है। और वो महाविष्णु और उनको देख करके उनका टकटक लगाकर उनको देखते रहता था। और महाविष्णु को सब थोड़ी आकर्षण कर सकते हैं, उनका प्रभुता आकर्षण कर सकते हैं ना, ऐसे टकटक लगा करके एक नजर से देखते थे। बोले भैया ये बालक है कौन, इनके प्रति मेरे मन इतना आकर्षित क्यों होता है? और वहां पर जो महाप्रभु जाते थे, अद्वैत आचार्य भक्ति पढ़ाया करते थे, बच्चे बैठे करके भक्ति ग्रंथ पढ़ते थे, और महाप्रभु जाकर सब भक्तों कृपा दृष्टि करते, आशीर्वाद करते, बहुत अच्छी पढ़ाई अद्वैत आचार्य सबको भक्ति की पढ़ाई कर रहे, बड़े खुश होते। देखो जैसे ठाकुर जी, जैसे ठाकुर जी यहाँ बैठे ना, देखो जैसे यहाँ पर हरि चर्चा हो रही, ठाकुर की कथा सुन रहे, जानते हो सबसे ज्यादा खुश कौन होते हो?
ठाकुर जी हो कथा की सबसे बड़ी जब श्रोता है ना ठाकुर जी है। ठाकुर जी कथा में अच्छी लगती हैं लेकिन सबसे अच्छी किसको लगती हैं ठाकुर जी को। एक समय जयपुर में कोई एक साधु हर साल कथा करता था, जैसे एक साल कथा की दूसरे साल में जब गया श्रोता आपको पूछे भैया बताओ तो पिछले साल हमने कहाँ तक मैंने पढ़ा किए मैंने कथा सुनाया था उसको आगे की कथा सुनाऊंगा। बोलो किसको याद है? बोले भैया आज जो खाते कल भी याद नहीं रहता है और ये एक साल पहले जो कथा सुनाए थे सब भूल गए, सब इधर उधर झांकने लग गए। बोले भैया क्या बाबा कथा सुनाए थे, क्या कथा सुनाए थे? इतने में वो जो संत कथा सुना रहे थे बोले लगता है कोई ध्यान से कथा ही नहीं सुनते, सब भूल जाते, कोई कथा सुनते नहीं। जब इतना बोले ना ठाकुर जी के अंदर से आवाज आई, बोले बाबा आप कैसे बोल सकते हो कथा कोई नहीं सुनते, मैं कथा सुनता हूँ। ठाकुर जी कहते मैं कथा सुनता हूँ ना, मैं बैठ बैठ कर कथा सुनता हूँ। इसलिए तो कलयुग में राधा जी भाव अंगकांत्र क्यों आए, कृष्ण कथा में कृष्ण भक्ति में इतने रस है वो कृष्ण को भी पता नहीं। जगन्नाथ जी ऐसे क्यों हो गए कि बलदेव प्रभु ऐसे क्यों हुए, केवल अपना कथा सुनते। तो राधा जी की स्मरण करते करते राधा जी की प्रेम में ही ये इसी तरह हुए, केवल कृष्ण कथा सुनते सुनते। जब श्री रोहिणी कथा सुना रही थी कथा सुनते सुनते ठाकुर जी ऐसे हो गए, मतलब कितने प्रेम में ठाकुर जी पिघल गए ठाकुर जी इतने। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य जब वहां पर महाप्रभु जाते थे देखते थे सब उनके भक्त लोग वहां पर हरि चर्चा कर रहे थे और सुन कर भगवान सब आशीर्वाद बेटा खूब फलते फूलते रहो। इसलिए ठाकुर जी जैसे यहाँ पर बैठ कर कथा सुनते हैं ना ठाकुर जी बड़े खुश होते बड़े प्रसन्न होते होंगे, मेरी चर्चा कर रहे हैं मेरी कथा सुन रहे हैं। सबसे ज्यादा ठाकुर जी जो कथा सुनते हैं ना ठाकुर सबसे ज्यादा आशीर्वाद उनको ठाकुर जी प्रदान करते हैं। देखो मेरी कथा सुन रहे हैं मेरी नाम ले रहे हैं मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। अगर पिता माता के चरण छुए बच्चे पिता का बात सुने पिता माता खुश होंगे ना। इसलिए ठाकुर जी देखते हैं तुम ही मेरा असली संतान हो बड़ो तुम्हें तुम ही हमारे सही बच्चे हो क्यों तुम लोग आ करके मेरी कथा को मेरी महिमा को। इसलिए सबको महाप्रभु आशीर्वाद देते कृपा करते थे। और महाप्रभु क्या करते थे जो उनका जो छोटा बड़ा भाई था ना विश्वरूप उनका कपड़ा पकड़ते थे पकड़ करके बोले भैया भैया तुतली तुतली बोली से भैया भैया मैया ने खाना बना चुकी है मैया बुला रही खाना खाने के लिए चलो। इधर तो पकड़ते थे बड़े भैया के कपड़ा लेकिन उधर किधर देखते थे अद्वैत आचार्य जी को कड़े नजर से बोले पहचान नहीं रहे हो तुमने मेरे को बुलाया मैं खीर समुद्र में सो रहा था और तुमने बुलाया मैंने तभी आया और तू अभी मेरे तरफ में देख रहे हो मेरे को पहचान नहीं रहे हो इधर कपड़ा कैसे उधर देखते थे उनके तरफ में देखते थे। इसलिए अद्वैत आचार्य का मन प्राण और जो चित्त है महाप्रभु प्रति स्वाभाविक रूप में अपने आप आकर्षण होता था। इसलिए इसकी बहुत सारी कथाएं कल हम लोग और भी कुछ कुछ कथा सुन लेंगे। देखो अभी से 90 दिन धाम की परिक्रमा आ रही है 90 दिन इसलिए हम लोग ना कल हम कथा सुन रहे थे ना स्वयं शंकर जी पार्वती को कहते पार्वती विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे तीर्थ है करोड़ों बार कोई परिक्रमा लगा ले लेकिन एक बार से 90 दिन धाम का परिक्रमा लगाया तो उससे करोड़ों गुना ज्यादा पुण्य है जो 90 दिन धाम की परिक्रमा लगा। ये शंकर जी पार्वती को स्वयं कहते। इसलिए कल से कुछ अद्वैत आचार्य जी और भी थोड़ी थोड़ी कथा है उसको भी सुनेंगे और कल से हम लोग श्री महाप्रभु जो धाम की जो महिमा ये 90 दिन धाम किया है और ये धाम कौन प्रकट किया कैसे प्रकट हुई किस रूप में हुई क्यों इसकी महिमा इतना कौन सा धाम में स्थान में हम जाते हैं वो स्थान की क्या महिमा है हम लोग कल से इस कथा को फिर से अच्छे तरह से श्रवण करेंगे। ठीक है बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि आचार्य की जय श्री सीतापति की जय सीताई गौर ब्रह्मानंद कीर्तन करते बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Thank you.
जय 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 जय